रानिया तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। बहुत मुबारक हो तुम्हें। आफरीन, ये तुम क्या कर रही हो? मुबारकबाद दे रही हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वकार ने मुझे समझाया, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ अब सब चीजें। क्या समझाया वकार भाई ने? यही कि मैं रानिया का ख्याल रखूंगी तो सब ठीक हो जाएगा और वो सब भूल जाएंगे। आफरीन, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चेक करो, बुखार तो नहीं हो रहा मुझे। हाँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। सही है ना? ऐसे ही तुम वहम कर रही हो। और तुम्हारा मैं बहुत ख्याल रखूंगी। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम मुझे रोकोगी तो नहीं ना अपना ख्याल रखने से? बहुत ख्याल रखूंगी तुम्हारा, नहीं रोकोगी ना रानिया? प्लीज। ऐसी कोई इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। रानिया, मैं तो तुमसे आनूर, देखा तुमने कैसे चली गई? तुम इसको समझाओ ना। देखो, अगर ये चाहे ना तो वकार और मेरे दरमियान सब पहले जैसा हो सकता है। आफरीन, पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है मानूर, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं वकार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने अगर कहा है ना तो सब पहले जैसा हो जाएगा। मानूर, तुम एक दफा उससे बात तो करो। देखो, किस्मत से मुझे एक दफा वकार को दोबारा पाने का मौका मिला, मैं उसको गंवाना नहीं चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं समझाऊंगी उससे, बात करूंगी मैं उससे, ठीक है? हाँ, तुम उससे बात करोगी ना, सब सही हो जाएगा। वो वकार दोबारा फेरे हो जाएंगे, सही, सब सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा सब। चलो ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ, खुदा हाफिज। क्या बात है शाजिया, अभी चेंज करने गया था तो बहुत खुश खुश बात कर रही थी तुम महानूर से। आफरीन है ना? आफरीन क्यों, क्या फिर से कुछ उल्टा सीधा कर दिया उसने? बस अजीब सी हरकतें कर रही है ये लड़की। अजीब सी हरकतों से क्या मुराद है तुम्हारी? मानू ने अभी फोन पे यही बताया मुझे, वो तो बेचारी खुद परेशान है आफरीन की हरकतों की वजह से। कैसा रवैया, कैसी परेशानी भाई? कुछ खुल के बात बताओगी या ऐसी पहेलियां पूछती रहोगी? रानिया के हाँ खुशखबरी है। ओह, इस खुशी पे तो उसका रवैया जरूर बदलेगा, लेकिन तुम उसे समझा देना कोई बुरा करने का वो सोचे भी नहीं। वो रानिया का ख्याल रखने के लिए जिद कर रही है, और वकार ने भी कह दिया है कि अगर सब कुछ ठीक करना चाहती हो तो रानिया का ख्याल रखो। मैं नहीं मानता ये बात शाजिया। ये और बात होगी, ये इसके पीछे कोई और साजिश करने का सोच रही होगी वो। नहीं सलीम साहब, ऐसी बात नहीं है। मानो बता रही थी कि आफरीन तो रानिया के सामने रो के गड़गड़ा के माफिया मांग रही है और कह रही है कि वो ऐसा करने से उसे ना मना करे। पता नहीं शाजिया, मगर मेरा दिल अब भी ये सब बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हो सकता है जो वो कह रही हो ठीक कह रही हो। क्या पता इस बार वो वाकई सुधर गई हो।